కేసీఆర్ గారు అనవసరంగా గిమిక్స్ చేయందు అటెన్షన్ అట్రాక్టింగ్ గిమిక్స్ చేయవందు ఆర్ ఆజ్ జబ్ బిఆర్ఎస్ ఏ దేఖే కి ఉన్కే నేతా క్యూ ఉనే ఛోడ్ కే జా రహే హై ఏ బాత్ కర్ రహే హై कि सरकार में क्या हो रहा है। अरे अपनी नाव को बचाओ, तुम्हारी पहले बड़ी सी शिप होती थी, शिप जो है अब छोटी सी बोट हो गई, क्योंकि छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो बाकी बाकी बचे हैं वो माफिया निकल के आ रहे हैं, और मैं बताऊंगी आपको आगे कैसे। लेकिन सबसे पहले आपको तो याद ही है कि कैसे टीआरएस का नाम बदल के कर दिया बीआरएस। अब इनको एक काम करना चाहिए, बीआरएस का नाम बदल के कर देना चाहिए केआरएस, करीमनगर राष्ट्रीय समिति, या कर देना चाहिए जीआरएस, ग्रेटर राष्ट्रीय समिति, या कर देना चाहिए डब्ल्यूआरएस। आप सोचेंगे वरंगल राष्ट्रीय समिति, ना ना, वीकर राष्ट्रीय समिति, और ए से जेड तक होते होते बीच में आता है वीआरएस। ना आप सोचेंगे वेरी राष्ट्रीय समिति, अरे केटीआर गारू मैं आपको कह रही हूं वीआरएस ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और हो जाओ रिटायर। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सर्कस वाले से बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं इनको करना क्या है, पता नहीं कि किसने मेदीगट्टा का प्रोजेक्ट किसके समय पे आया, क्या हुआ, किसने क्या गलती करी, ये सब नहीं पता, बस बोलना है। मतलब आपने ज़ॉम्बी देखा, ज़ॉम्बी कहीं पे भी चला जा रहा है, कुछ पता नहीं है, बस इनका यही हाल है। तो इनकी पार्टी की एक और बात बता दूं, आजकल इनकी पार्टी कॉन्डम्स के बारे में बहुत बात कर रही है, देखा होगा आपने इनका वीडियो। तो भाई कॉन्डम्स के अंदर से अपना सिर निकाल ले केटीआर गारू, और फिर करे बात, क्योंकि कब तक रहेंगे, उस महल से बाहर निकल आए हैं, अभी भी कॉन्डम के अंदर सिर घुसा हुआ है। अब बता रही हूं आपको कि करीमनगर में 12 बीआरएस के नेता, जिनके इनके बड़े नेताओं से संबंध है, जिसमें 4 कॉरपोरेटर है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पहले वो बीआरएस के नेता कहलाते थे, अब वो बीआरएस वाले लैंड माफिया कहलाते हैं। तो लैंड माफिया बीआरएस का एक यूएसपी है, मगर अब तो इनको ये बताना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें मेदीगट्टा जाना है, कि मेदीगट्टा के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे आपके डैडी जी ने क्या कहा मेदीगट्टा को, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन पहले हमने नहीं कहा, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आया है कि भ्रष्टाचार करप्शन हुआ है मेदीगट्टा में। यह कहा है एनडीएसए ने, यानी कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने, कि अभी जो मेदीगट्टा प्रोजेक्ट है इस स्वरूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिजास्टर भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। मगर इनकी बात समझ में आ नहीं रही है कि एनडीएसए वो भी कांग्रेस का नहीं है। भाई वो तो सेफ्टी नॉर्म्स जो है डैम्स को लेकर उसको तय करता है, और अगर वो कह रहे हैं कि आपके डैडी ने गलत काम किया, आपकी सरकार ने गलत किया, तो आप अपने डैडी से बात करिए ना केटीआर गारू। तो डैडी के बेटे केटीआर गारू, आपसे यह भी जानना है कि आपके डैडी ने तो मेदीगट्टा को बोंदला गड्ढा बता दिया, बोंदला गड्ढा बता दिया। वैसे आपको अभी समय है, अभी आपको बोंदला गड्ढा जाने की जरूरत नहीं, अभी आप रुक जाइए, थोड़े दिन यहीं रहिए। अरे देखिए ना कि कांग्रेस की सरकार 6-6 गारंटी देगी, उसके बाद देखिएगा कि कितनी गारंटी देगी, तब तक आपके वाले चले जाएंगे। मगर आप रुकिए, बोंदला गड्ढा मत जाइए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके डैडी ने पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार वाली सरकार दी है ना, उससे हमने कैसे लड़ाई लड़ी, जनता ने आपको कैसे बाहर निकाला। अब आपके नेता भाग रहे हैं, आप सर्कस में काम कर रहे हैं। आपको मैंने शुरू में कह दिया वीआरएस ले लीजिए, और इसलिए भी क्योंकि आपकी सरकार थी 2020 में, 2020 में, उस वक्त आप ही की सरकार, आपके डैडी जी की सरकार, उन्होंने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस विंग बनाया था कनाल्स और बाकी प्रोजेक्ट्स के रिपेयर वर्क के लिए। उसमें हर क्वार्टर में
74 करोड़ रुपए देना जरूरी था, मगर पिछले 2 साल में आपके डैडी गारू उन्होंने क्यों नहीं दिया? पूछो डैडी गारू से, केटीआर गारू, कि क्यों वो पैसा नहीं दिया? अपनी पॉकेट में डाल दिया, हजम कर दिया और डकार भी नहीं निकली। तो केटीआर गारू को मैं यही कहूंगी कि जो सरकार आज चल रही है, जो राज्य सोनिया गांधी जी ने दिया, सोनिया अम्मा ने दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम आपने नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार दिया। आज रेवंत रेड्डी जी की सरकार, हमारे नेता तेजस्वी और ओजस्वी राहुल गांधी जी, जो आज के समय के महात्मा है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज न्याय की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र। तो आज न्याय होगा, न्याय आपके साथ भी होगा, और आपके डैडी गारू से बात करके देख लीजिए कि आपका न्याय होना चाहिए या नहीं। बोंदला गड्ढा की बात करते हैं, मेदी गड्ढा की बात होती है, तो भाई आपके लिए तो मेदी गड्ढा बोंदला गड्ढा है, लेकिन रेवंत रेड्डी जी की सरकार किसी गलत आदमी को नहीं छोड़ेगी, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं सोचेगी। इसलिए केटीआर गारू, आप कितने भी गिमिक्स कर लीजिए, कितने भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार किया है, तेलंगाना की जनता को लूटा है, उसका न्याय हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी, रेवंत रेड्डी जी की सरकार करेगी। धन्यवाद।